अगर प्रेम की बात आती है तो जब तक भक्त मीराबाई की बात न की जाए बात अधूरी सी लगती है। मीराबाई का पद है, मीरा कहती है, तुम घर जाओ वेद, मुझे रोग भारी है, मुझे रोग भारी है, ये दिल की बीमारी है। वेद तेरी समझ से परे की बात है। मैंने सुना है एक फकीर दीवाना हो गया, जब तक दीवाना पन्ना आए मेरे भाई बहन कोई फकीर हो भी नहीं सकता। घर के लोग पागल समझने लग गए उसको, क्योंकि ये संसार का नियम है, जब भी तुम उस खुदा की राह में निकलोगे, उस परमात्मा की राह में जब निकलोगे, उसके लिए आतुर हो जाओगे, पागल हो जाओगे, दीवाने बन जाओगे, तो दुनिया के लोग तो तुमको पागल समझेंगे। रिश्तेदार परिवार के लोग बड़े चिंतित हो गए, ये पागल हो गया। संसार के लोगों को, रिश्तेदारों को, परिवार के लोगों को क्या जानकारी, क्या पहचान कि ये बीमारी है ही नहीं। ये तो हम इंसानों की साधारण सी बीमारी हमको लगी है कि जब भी कोई ऐसी उस ईश्वर की राह पे निकल पड़ता है तो हम उसको पागल ही समझते हैं। असल में बीमारी तो हमको लगी है, लेकिन जो दीवाना हो गया वो तो निश्चित मानो कि सारी बीमारियों से मुक्त हो गया। उन्होंने सोचा कि ये पागल हो गया है, एक काम करो, वेद्य को बुलाओ। वेद को बुलाया, वेद ने नब्ज पकड़ी, जांच करी, पूरे शरीर को टटोला, लेकिन कुछ हाथ न लगा। उस फकीर ने कहा, ये मस्त मौलाओं की दुनिया है, ये दीवानों की एक अलग ही दुनिया है, ये तू क्या कर रहा है, तू होश में आ, तू नब्ज पकड़ रहा है, क्या होगा नब्ज पकड़ने से। ये जो परमात्मा के दीवाने होते हैं, ये जिन्होंने फकीरी को धारण कर लिया होता है, उनके जीने का ढंग ही कुछ अलग हो जाता है, वो एक अलग ही दुनिया में जीते हैं, उनकी एक अलग ही मस्ती है। वाह रे मौज फकीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी, कभी चबावे चना चबीना, कभी लपट दे खीरा दी, वाह रे मौज फकीरा दी। चाहे वो जंगल में रहे तो भी महल सा प्रतीत होता है, और महल में भी रहें तो उनको जंगल सा प्रतीत होता है, उनको छप्पन भोग में और सूखी रोटी टिक्कड़ में कोई अंतर मालूम नहीं पड़ता। क्या अच्छा है क्या बुरा है, इन सब से वो ऊपर उठे होते हैं। धर्म मत पंथ संप्रदाय जाति पाति ऊंच नीच अमीरी गरीबी स्त्री पुरुष, इन सबसे ऊपर उनका एक रूहानी देश है। उस देश की मस्ती में 24 घंटे झूमते रहते हैं, और तुमको ये बीमारी लगती है, तुम हाथ पकड़ के क्या जान पाओगे। हे वेद, तू जहां जीता है वहां तुम गणित से जीते हो, हिसाब किताब से जीते हो, तुमने अपने जीवन में कुछ रेखाएं खींच रखी है, तुम तो ऐसे जीते हो जैसे कोई कोई बगीचा बना लेता है एक साफ सुथरा, और भक्त ऐसे जीता है जैसे कोई जंगल में जीता है, कुछ साफ सुथरा नहीं है, वहां इंसान के हाथ की कोई छाप नहीं है, सिर्फ वहां केवल और केवल परमात्मा के ही हस्ताक्षर है, वह कोई नियम से नहीं जीता, क्योंकि जिसने प्रेम को पा लिया उसके लिए कोई नियम लागू नहीं होती, कोई जरूरत ही रह नहीं जाती। पूर्ण प्रेम प्रभु से हुआ तो नेम का बंधन छूट गया। एक संत थे, कोई भक्त उनके पास आया और उनने पूछा कि मुझे महात्मा जी बस एक नियम बता दो, ज्यादा बहुत सारे नियमों की बात मुझसे मत करो क्योंकि मैं ना समझूं, बहुत ज्यादा आज्ञाएं मुझे मत दो क्योंकि मैं भूल जाऊंगा, आप तो मुझे बस एक ही नियम एक ही सार की बात बता दो क्योंकि मैं शास्त्रों को नहीं जानता। वो संत बड़े अनूठे थे, और ऐसे अनूठे संतों की पहचान कोई कोई बिरले को होती है। मैं तो ये कहूं कि वो व्यक्ति भी बड़ा अनूठा था, जिसने अपने अहंकार को, अपने अज्ञानता को जिसने स्वीकार कर लिया। आज तो स्थिति ऐसी है कि जिसको देखो वो सब अपने आप में ज्ञानी है, समझदार है। बहुत कम ऐसे लोग आपको हमको मिलेंगे जो अपनी अज्ञानता को स्वीकार कर ले और कह दे कि मुझ में बुद्धि नहीं है,
जो अपनी भूलों को स्वीकार कर ले, ऐसी घटना इस दुनिया में बहुत कम होती है मेरे भाई बहन। उस व्यक्ति ने कहा, हे महात्मा जी, मैं अज्ञानी हूं, मुझे तो आप बस एक साधारण सा सूत्र दे दो जिसको मैं पूरी निष्ठा के साथ पाल सकूं, उस सूत्र के प्रति मैं समर्पित हो जाऊं जिसको मैं कभी भूल ना सकूं। उन संत जी ने बहुत सोचा, वे बोलने में बड़े कुशल व्यक्ति थे, वे संत बड़े जानकार थे, बड़े बोलकार थे, लेकिन इस आदमी के सामने जैसे वो बोलना भूल ही गए। उन संत जी ने बहुत सोचा, आखिर में उन्होंने कहा कि तुम एक काम करो, प्रेम बस इतना ही याद रखना, फिर सब अपने आप होता चला जाएगा। तुम प्रेम करो, सब नियम पूरे हो जाते हैं, और तुम अगर सारे नियमों को भी पूरा करोगे लेकिन एक प्रेम को छोड़ दोगे तो फिर तुम धोखे में ही रहोगे। बिना प्रेम के कोई भी कार्य पूरा नहीं होता, कोई नियम पूरा नहीं होता। बिना प्रेम के सारी नीति ये समझ लो कि अनीति है। सारा हमारा आचरण दुराचरण को छिपाने की बस एक व्यवस्था बन जाता है। सदगुरु कबीर कहते हैं, तू गांजा अफीम और पोषता, भांग शराबे पीवता, एक प्रेम रस चाखा नहीं, अमली हुआ तो क्या हुआ। तूने योग कर लिया, तप कर लिया, सुमिरन कर लिया, ध्यान कर ली, पूजा पाठ कर ली, गिरिराज की परिक्रमा कर ली, तूने यज्ञ हवन कर लिए, तूने तीर्थों में जा करके अपने शरीर को मल मल के धो लिया, लेकिन तेरे हृदय में अगर प्रेम प्रकट ना हुआ तो निश्चित समझना कि तुम धोखे में ही हो। और ये जो आचरण हम करते हैं, ये फिर हमारे जो दुराचरण होते हैं बस उनको छिपाने मात्र का ही एक आयोजन रह जाता है। और मैं आपसे प्रेम पूर्वक ये बात कह दूं, सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, संत महापुरुष कहते हैं, हमारे ज्ञानी मनीषी ऋषि महात्मा कहते हैं कि प्रेम के अतिरिक्त कोई आचरण नहीं है मेरे भाई बहन। जिसने प्रेम को पा लिया उसके लिए फिर कोई आचरण के नियम ही नहीं है, कोई अनुशासन नहीं है, क्योंकि उसने परम अनुशासन को पा लिया। प्रेम जैसा अनुशासन फिर कहां है। तुमने पागल को देखा है? देखना कभी पागल को, पागल भी नियम छोड़ देता है, लोक लाज छोड़ देता है, कुल मर्यादा छोड़ देता है। पागल से हम आशा भी क्या रख सकते, न लाज कानी लोक की, न वेद को कयो करे, न शंका भूत प्रेत की, न देव यक्ष से डरे, सुने न काहू और की, द्रसे न और इच्छना, कहे न कछु और बात। ये भक्ति प्रेम लक्षण, पागल और भक्त में बस थोड़ी सी समानता है, अंतर बड़ा है। समानता थोड़ी सी है लेकिन अंतर बहुत बड़ा है। पागल व्यक्ति अपने सामान्य जीवन से नीचे गिर जाता है और एक भक्त व्यक्ति इस सामान्य जीवन से ऊपर उठ जाता है। दोनों ही अपने सामान्य जीवन से पार हो जाते हैं, एक नीचे गिरता है और दूसरा ऊपर उठ जाता है, पर लेकिन पार होने की समानता है। एक ने सामान्य संसार से नीचे गिर गया, सामान्य संसार को नीचे गिर के पार कर दिया, और एक ने सामान्य संसार से ऊपर उठ के उसको पार कर दिया। इसलिए एक ही सूत्र है, बस ध्यान रखो, भक्ति की पहचान यही उन्मत्तता, यही पागलपन, यही दीवानापन है। आपने महाप्रभु चैतन्य को देखा, वे नाचते रहते थे, घर के लोग परेशान हो गए, पागल हो गया। मीराबाई को देखो, मीराबाई नाचती रहती थी सड़कों पर। राज घर आने की एक स्त्री, मजाल है कि कोई जिसका मुख देख सके, लेकिन वो सड़कों पर नाचती थी। घर के लोग परेशान हो गए, प्रियजन परिवार के लोग, क्योंकि मीरा शाही खानदान से थी, राजघराने की महिला, राजस्थान में जहां घूंघट के बाहर आना ही संभव न था, रास्तों पर नाचने लगी, लोक लाज खो दी, सब मर्यादा, कुल मर्यादा भूली, मीरा पागल हो गई। सुना होगा आपने, कहते हैं मीरा एक वृंदावन में कन्हैया के मंदिर में गई। उस मंदिर में रिवाज था कि कोई स्त्री प्रवेश न कर सकेगी। बहुत से मंदिर आज भी स्त्रियों के लिए बंद है महाराज,
निश्चित रूप से डरपोक लोगों ने बनवाए होंगे, कायरों ने बनवाए होंगे, ऐसे मंदिर व्याभिचारियों ने बनवाए होंगे। उस मंदिर का जो पुजारी था वो बाल ब्रह्मचारी था, दूर दूर तक उसकी ख्याति थी, और उसकी ख्याति का कारण भी बड़ा अजीब था, और कारण ये था कि वो कभी किसी स्त्री की तरफ देखता भी नहीं था, मंदिर से बाहर निकलता नहीं था। मीरा एक बार उस मंदिर के द्वार पर पहुंच गई, कृष्ण का मंदिर था, वो नाचने लगी। मीराबाई भीतर प्रवेश करने लगी, उसे रोक दिया गया। पुजारी घबरा गया, हक्का बक्का हो गया, उसने कहा कि सुनो, यहां स्त्रियों का प्रवेश नहीं होता है। मीरा ने गौर से उस पुजारी को देखा और उससे कहा, मैंने तो सोचा था कि एक ही पुरुष है, यहां तो दो पुरुष दिख रहे हैं, तुम भी एक पुरुष हो। मैंने तो कृष्ण को ही जाना कि एक पुरुष है, बाकी तो सब प्रकृति है, पुरुष तो एक ही है, बाकी तो सब गोपियां हैं, और कृष्ण के मंदिर में इतने दिन रहकर भी तुम क्या करते रहे पुजारी जी, अभी तक तुम पुरुष हो, अभी तक तुम गोपी न बन पाए, तुम्हें मेरी स्त्री पन दिखाई पड़ता है, लेकिन मुझे तुम्हारा पुरुष दिखाई नहीं पड़ता, हट जाओ मेरे रास्ते से। और उस दिन जैसे किसी ने नींद से जगा दिया हो उस पुजारी को, आहा, जुगन जुगन को सोयो मारो हंसो, गुरु बिन कौन जगावे उनको। आज मीरा गुरु रूप में आ गई और उस पंडित को एक ही शब्द में जगा दिया कि पगले, तू इतने वर्षों से ठाकुर की सेवा कर रहा है लेकिन तू अभी भी गोपी नहीं बन पाया, तुझे अपने में पुरुष दिखाई पड़ता है, उस परम पुरुष की तुझे पहचान ना हो पाई। आज उस पुजारी को एहसास हुआ, आज उसे शब्दों की पहचान हुई, आज उसे सच्चा मार्ग मिल चुका था, उसने रास्ता छोड़ दिया, आंखें आंसुओं से भर गई, पश्चाताप से वो रोने लगा, आवाज गले में अटक गई, हाथ जोड़ करके चरणों में गिर पड़ा, रोने लगा। मीराबाई ने कहा, अब तक का समय तो तुमने गंवा दिया, लेकिन अभी भी समय है, किसको कोई रोक नहीं रहा है, कोई रोक सकता भी नहीं, क्योंकि कोई शरीर को तो रोक सकता है लेकिन अंतस को कोई नहीं रोक सकता, हृदय को प्रेम को कोई नहीं रोक सकता। अब मीरा क्या लोक लाज रखे, अब तो उसको कोई पुरुष दिखा ही नहीं पड़ता, तो घूंघट सरक गया, कपड़ों का हिसाब नहीं रहा, रास्तों पर नाच ही रही है, भक्त उन्मुक्त हो जाता है और होगा ही, तेरी पलकों के आगे राम तू घूंघट खोल दे रही, बस ये घूंघट का पर्दा जिस दिन गिरे, जिस दिन स्त्री पुरुष का भेद मिट जाए, जिस दिन धर्म मत पंथ संप्रदाय जाति पाति ऊंच नीच अमीरी गरीबी का भेद मिट जाए, उस दिन वो परमात्मा प्रियतम नजरों के सामने ही तो खड़ा मिलेगा। ऐसे समझो कि जैसे एक छोटी सी प्याली में सागर समा जाए तो प्याली पागल ना होगी तो और क्या होगी, किसी कंगाली को हीरा मिल जाए जिसका पूरा जीवन दरिद्रता में गया हो और उसको अचानक से, तो पागल नहीं होगा तो क्या होगा, किसी प्यासे को एक बूंद पानी भी मिल जाए तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता, कोई छोटी सी बूंद हो और उसमें सागर उतर जाए तो कहां हिसाब रख पाएगी, कैसे हिसाब रखेगी ये बूंद, और फिर तो सागर की उन्मुक्त लहरें होंगी, बूंद तो चीखेगी चिल्लाएगी और कहेगी, मेरे तो नियम और व्यवस्था थी वो सब टूट गई, टूटती जा रही और टूटेगी। कोई मोहब्बत करके देखे, कोई प्रेम करके देखे तो उसे पता चलेगा कि असल में प्रेम होता क्या है, फकीरी होती क्या है, दीवानापन होता क्या है, उसको लोक लाज का भय मिट जाता है, परिवार के लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, समाज मेरी मेरा तिरस्कार करेगा, मेरा अपमान करेगा, जब किसी
भक्त के जीवन में जब परमात्मा उतर जाता है तब भक्त जगह दे देता है, अपने द्वार खोल देता है, हटता है मार्ग से और परमात्मा को उतरने देता है, अपने मैं को मिटा करके समाप्त कर देता है, भीतर पूरा खाली हो जाता है, दोनों बाहें फैला करके कह देता है आजा। और फिर भक्त किसी और ही जगत में जीता है, फिर जीता नहीं अपनी तरफ से परमात्मा की तरफ से जीता है, क्योंकि फिर वो एक तरह से परमात्मा रूप ही हो जाता है। इसलिए सद्गुरु कबीर कहते हैं, सब सखियां पीड़ी भई तू क्यों भई गुलाल, अविनाशी की सेज पे मैं पोढ़त हो गई निहाल। सभी निहाल हो जाए, सभी के अंतस में उस परमात्मा की झलक मिल जाए, इसलिए खोल दो अपने हृदय के द्वार, दोनों हाथ दोनों बाहें फैला करके उस परमात्मा प्रेमी का आलिंगन करने के लिए आतुर और व्याकुल होकर के पुकार लगा दो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, खोल दो अपनी बाहें और उसे कह दो कि आजा और हृदय में उतर जा, और वो तो आतुर है हमारे हृदय में उतरने के लिए, लेकिन हमारा हृदय खाली तो हो। इसलिए हृदय पात्र को खाली करें, इस प्रेम से भर ले, उस प्रेम रूपी परमात्मा का अवतरण होने दे अपने हृदय में। जीवन का कल्याण है, जीवन का यही असली आनंद है और यही जीवन की पूर्णता भी है मेरे भाई बहन। आज के लिए बस मैं इतना ही कहूंगा। आप सभी ने बड़े प्रेम से सुना, आपके हृदय में बैठे उस परम परमात्मा को मैं प्रणाम करूं। आप सभी को